हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनेट के थ्रू किस तरीके से कमाए जाते हैं पैसे, और अगर आपने कभी से पहले इंटरनेट सेंडिंग नहीं करी तो आप यहां से स्टार्ट ले सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट आज आपसे शेयर करने वाला हूं जहां पे आप इंटरनेट बेच के पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहली वेबसाइट है हनीगेन, बहुत पुरानी वेबसाइट है और बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसमें से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने इनकी ऐप डाउनलोड करनी है और ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करके छोड़ देना है, और फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसमें बैलेंस आपका इंक्रीज़ होता रहेगा। देन इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं अपनी गूगल आईडी और फेसबुक आईडी के थ्रू। तो आए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो एक आईपी से आप $29 पर मंथ कमा सकते हैं, और इस तरीके से आप जितना शेयर करेंगे तो आपकी मंथ जो आपकी इनकम है वो बढ़ती जाएगी। आप देखिए 24 आवर्स अगर आप डेटा शेयर करते हैं इनसे, तो फिर आपकी इनकम $31 पर मंथ होगी एक आईपी पे। अगर आपके पास इससे ज़्यादा इंटरनेट है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट इसमें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसके अंदर डेटा रिस्क थोड़ा सा इन ऐप्स में या इन वेबसाइट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उससे किस तरीके से बचा जाए। दूसरी वेबसाइट हमारे पास आती है पैकेट स्टीम के नाम से। ये भी ऐसी वेबसाइट है, आप इस पर गूगल आईडी और फेसबुक से आप साइन इन कर सकते हैं। एंड देन इनका एक अपना क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आके अर्न मनी वाले पे क्लिक करना है। देन अब आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि आपका डाटा किस तरीके से गैदर कर रहे हैं। आप लोगों के पास अगर वाईफाई है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है इसकी तरफ मूव करें, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। या आपके पास डाटा, मोबाइल का डाटा बहुत ज़्यादा बच जाता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं वाईफाई वालों को ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि वाईफाई अनलिमिटेड होता है। अच्छा, ये वाली कंपनी बहुत अच्छी है क्योंकि इसके साथ बड़े बड़े जो हैं पार्टनर्स काम कर रहे हैं, जैसे पेपाल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, उसके बाद जो है तीसरी हमारे पास जो वेबसाइट आती है वो आती है फोनज़ैप के नाम से। ये भी एक पैसिव इनकम जनरेट करने की वेबसाइट है। इसमें भी आप गूगल आईडी और फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर सकते हो एंड देन अपना इंटरनेट सेल कर सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, बट इस फंडिंग थोड़ी स्लो होती है क्योंकि पर्सनली मैं इसको भी यूज़ कर रहा हूँ और हनीगेन को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो हनीगेन थोड़ी ज़्यादा फास्ट चल रही है, और जो ये वाली है फोनज़ैप ये थोड़ी सी स्लो अर्निंग कर रही है, आई डोंट नो क्यों कर रही है। इसमें भी आपने जो है इनका डाउनलोड कर लेना है, अगर विंडोज़ पे हैं तो विंडोज़ पे डाउनलोड कर लेना है, एंड देन उसके बाद अगर आप मोबाइल पे हैं तो एंड्रॉयड से यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास एंड्रॉयड का, तो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है एंड देन फिर लॉगिन करना है आपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। तो गाइस, वीडियो हो गई है एंड। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इससे कैसे जो है सेफ़ तरीके से अपना इंटरनेट शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट जो है आपका आईपी एड्रेस का यूज़ करती हैं, और जो पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं आपका नेटवर्क वहाँ पे भी यूज़ हो रहा होता है, और आपकी आईपी जो है बेसिकली एक तरीके से पब्लिक हो जाती है। तो आप लोगों ने अपने डेटा का किस तरीके से सेफ़ रखना है, तो सबसे पहले आपने ये जो ऐप वगैरह आपने इंस्टॉल करनी है, आपने वो अलग कंप्यूटर या अलग मोबाइल पर कर लेनी है जो बिल्कुल एक्स्ट्रा है, जिस पर आपका कोई पर्सनल चीज़ लॉगिन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है अपना आईपी एड्रेस को जो है सिक्योर बनाएं, ठीक है। और तीसरा ये मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है अगर आप किसी क्या कहते हैं कमर्शियल इंटरनेट पे नहीं है, जैसे नॉर्मल वाला इंटरनेट है, तो आप उस पे ही जो है ये लॉगिन करें, ठीक है। बिकॉज़ इसके अंदर डेटा लीक होने का थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है, क्योंकि ये वेबसाइट पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि आपका डेटा सिक्योर है या जो भी है। वैसे सिक्योर है, ठीक है, ऐसी कोई वो सुनने में आया नहीं है, बट हमें अपने डेटा का खुद सिक्योर करना है, आपकी पर्सनल पिक्चर्स या आपका पर्सनल डेटा कहीं लीक ना हो जाए, तो आपने इसको अलग मोबाइल पे करना है, अपने पर्सनल मोबाइल पे नहीं करना। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।